लेट्स टू क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर ऑफ एक्साइज फिफ्टीन बी दैट इज पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर इज द एरिया ऑफ राम्बस फोर एटी सेंटीमीटर स्क्वायर राम्बस का एरिया फोर एटी सेंटीमीटर स्क्वायर है एंड वन ऑफ इट्स डायग्नल मेजर्स फोर्टी एट सेंटीमीटर और उसकी एक डायगनल फोर्टी एट सेंटीमीटर की है हमें क्या निकालना है फाइंड द अदर डायगनल दूसरी डायग्नल निकालनी है लेंथ ऑफ इट्स ऑफ इट्स हर एक साइड की लेंथ निकालनी है और उसका पेरीमीटर निकालना है कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं ये राम्बस है और इसका एरिया दे रखा है हमें, हमें तो एरिया लिख लेते हैं एरिया ऑफ राम्बस दे रखा है हमें दैट इज़ फोर एट्टी सेंटीमीटर स्क्वायर और उसकी एक डायगनल दे रखी है हमें फोर्टी एट सेंटीमीटर की डायगनल दे रखी है फोर्टी एट सेंटीमीटर की हमें क्या क्या निकालना है दूसरी डायगनल दूसरी डायगनल निकालनी है और क्या निकालना है साइड निकालनी है और पेरीमीटर निकालना है लाइ, राइट? अब हम कैसे निकालेंगे देखिए एरिया ऑफ रॉम्बर्स जो होता है और डायगनल दे रखा है तो हम दूसरी डायग्नल निकाल सकते हैं उससे कैसे बिकॉज एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है हमारा हाफ इंटू डायगनल वन इंटू डाइगनल टू अब एरिया दे रखा है फोर एट्टी सेंटीमीटर हाफ डाइगनल एक डायग्नल दे रखिए फोर्टी एट की और दूसरी डायग्नल निकालनी है तो देखिए फोर एट्टी इक्वल्स टू टू वन जो टू 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 जो फोर टू फोर जो एट ट्वेंटी फोर इन टू डाइगनल टू अब डायगनल टू कैसे निकालेंगे फोर एट्टी और ट्वेंटी फोर डिवाइड में आ गया तो ट्वेंटी फोर टू जो फोर्टी एट एंड ज़ीरो तो दूसरी डाइगनल कितनी आ गई ट्वेंटी सेंटीमीटर की आ गई अब ये देखिए ये पूरी डाइगनल फोर्टी एट सेंटीमीटर की है और ये पूरी डाइगनल ट्वेंटी सेंटीमीटर की है और हमें पता है कि दोनों डाइगनल्स मिड पॉइंट पे हमारी बाइसेक करती हैं और 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं राइट अब जब मिड पॉइंट पे बाइसेक करती हैं तो ये पूरी 48 की है तो आधी कितनी हो गई मैं इसकी नेमिंग कर रही हूँ ए बी सी डी ए सी हमारी 48 सेंटीमीटर की है और मिड पॉइंट है हमारा ओ तो ओ ए सी के इक्वल होगा कितना दैट इज़ ए सी डिवाइडेड बाय टू ए सी का आधा तो 48 एट का आधा कितना हुआ ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर का हुआ ओ ए बी और ओ सी बी इसी तरीके से बी डी हमारी आई ट्वेंटी सेंटीमीटर तो ओ बी और ओ डी इक्वल होंगे कितना बी डी का आधा दैट इज़ दैट इज़ ट्वेंटी डिवाइडेड बाय टू टेन सेंटीमीटर का आ गया राइट right? अब ये देखिए ये मैंने आपको बताया कि रॉम्बस के डायंगल्स 90 डिग्री पे बाइसेक करते हैं तो ये क्या बन गया राइट एंगल ट्राइंगल और ए बी क्या हो गया उसका हाइपोटेन्यूज़? तो हम हाइपोटेन्यूज़ वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है एच का स्क्वायर इज इक्वल्स टू किसके स्क्वायर के इक्वल होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब एच हमें निकालना है दैट मीन्स ए बी का होल स्क्वायर निकालना है परपेंडिकुलर क्या हो गया ओ ए का होल स्क्वायर और बी स्क्वायर क्या हो गया ओ बी का होल स्क्वायर तो ये कितना आ गया ओ ए हमारा निकल के आया देखिए ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर ओ ए और ओ बी निकल के आया टेन सेंटीमीटर तो ट्वेंटी फोर का होल स्क्वायर प्लस टेन का होल स्क्वायर तो ये कितना आ गया ट्वेंटी फोर का स्क्वायर फाइव सेवेंटी सिक्स होता है फिर भी चेक कर लेते हैं फोर फोर 16, सिक्सटीन फोर टू एट एंड नाइन टू फोर 8 एट एंड टू टू 4। फोर तो ये आया फाइव सेवेंटी सिक्स तो फाइव सेवेंटी सिक्स प्लस हंड्रेड टेन का स्क्वायर इज हंड्रेड तो ए बी स्क्वायर कितना आ गया दैट इज़ सिक्स सेवेंटी सिक्स तो ए बी कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ सिक्स सेवेंटी सिक्स स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं सिक्स सेवेंटी सिक्स का तो टू से गया टू थ्री ज़ा सिक्स टू थ्री ज़ा सिक्स एंड टू एट सिक्सटीन अगेन टू से टू वन जा टू टू सिक्स ज ट्वेल्व टू नाइन ज़ा एटीन और हमें पता है वन सिक्सटी नाइन थर्टीन का स्क्वायर होता है राइट right? तो एक बार थर्टीन और टू तो दैट मीन्स टू इंटू थर्टीन कितना आ गया ट्वेंटी सिक्स सेंटीमीटर आ गया तो इसका मतलब हमारी साइड भी कितनी आ गई ट्वेंटी सिक्स सेंटीमीटर आ गई अब हमें पता है रॉमबस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं राइट तो ये साइड भी ट्वेंटी सिक्स सेंटीमीटर ये भी और ये भी ट्वेंटी सिक्स सेंटीमीटर अब हमने क्या क्या निकाल लिया लेंथ ऑफ अदर डायगनल निकाली जो कि ट्वेंटी सेंटीमीटर आई थी ईच साइड निकाल ली जो कि 26 सेंटीमीटर आई अब हमें पेरीमीटर निकालना है तो हमारा पेरीमीटर ऑफ रॉम्बस क्या होता है पेरीमीटर होता है या तो आप सारी साइड्स को ऐड कर लें पेरीमीटर ऑफ रॉम्बस या फोर इंटू साइड भी कह सकते हैं साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड करें या फोर इंटू साइड करें बात एक ही है सारी साइड 26 की थी या तो आप 26 को चार बार ऐड करें या फोर से मल्टीप्लाई कर दें 26 को आंसर सेम आएगा तो यह है फोर सिक्स ज ट्वेंटी फोर टू कैरी फोर टू 8 एट नाइन टेन सेंटीमीटर तो पेरीमीटर कितना आ गया हमारा रोम्बस का दैट इज़ वन ज़ीरो फोर सेंटीमीटर इज द आंसर